बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लास्ट क्लिप में, वीक 7 के लास्ट क्लिप में हम लोगों ने देखा है हमारा जो पहला टॉपिक है क्रिएटिंग प्रोसेस्ड लिस्ट यूजिंग लूप्स। अब हम देखते हैं लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं, या लैम्डा क्या होता है इन पाइथन। तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं। सबसे पहले लैम्डा जो है ना, ये एक फंक्शन होता है। किस किस्म के फंक्शन होते हैं पाइथन में? एन अनोनिमस फंक्शन इज़ अ फंक्शन दैट इज़ डिफाइंड विदाउट अ नेम। ऐसे फंक्शन जिनको हम नाम से डिक्लेयर नहीं करते उनको हम लैम्डा कीवर्ड यूज़ करते हैं उनके लिए। वाइल नॉर्मल फंक्शन आर डिफाइंड यूजिंग द DEF कीवर्ड इन पाइथन। यह हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा वीक है उस वीक में हम लोग देखेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन तो कैसे बनाते हैं, तो इस DEF का हम कीवर्ड का यूज़ करेंगे। अनोनिमस फंक्शन आर डिफाइंड यूजिंग द लैम्डा कीवर्ड। जो अनोनिमस फंक्शंस होते हैं वो हमारे लैम्डा कीवर्ड से डिफाइन किए जाते हैं, मतलब उनका कोई नाम नहीं होता, उनको लैम्डा फंक्शंस भी कह लेते हैं हम लोग और अनोनिमस फंक्शंस भी कहते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है? इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है कि ये जो लैम्डा है इसका कीवर्ड यूज़ होता है, उसके बाद आर्गूमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स हमारे पास जितने भी हम लोग आर्गूमेंट हमारे रिक्वायरमेंट होती है उतने आर्गूमेंट्स हम ले सकते हैं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर उसके बाद जो कॉलम्स आते हैं और देन फिर एक्सप्रेशन आती है। यहाँ पे देखें एक्सप्रेशन लिखी हुई है। तो अनोनिमस फंक्शन या लैम्डा फंक्शन हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारी जो एक्सप्रेशन है वो सिंगल लाइन हो, मतलब हमारे जो लूप की बॉडी होती है, जो फंक्शन की सॉरी बॉडी जो हो वो सिंगल लाइन हो, सिंगल एक्सप्रेशन पे डिपेंड कर रही हो। तो वहाँ पर हम बजाय इसके कि हम फंक्शन बनाएं तो हम लैम्डा फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे लिस्ट प्रोसेसिंग में या लिस्ट क्रिएटिंग में तो हम लैम्डा फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, अभी हम इसकी ये देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि शॉर्ट लूप्स फॉर लूप्स को यूज़ करते हुए हम लोग किस तरह से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें हमने देखा यहाँ पर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, फॉर का कीवर्ड आता है, फिर फॉर की जो पूरी कंडीशनल लाइन होती है वो आती है। उसके बाद अगर हम इफ़ वगैरह यूज़ करना चाहें, मल्टीपल इफ्स लगाना चाहें, तो एंड और ऑपरेटर्स यूज़ करके वो हम यूज़ कर सकते हैं। देन फिर आते हैं हम लोग लैम्डा फंक्शंस की तरफ। अगर हम एक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं सबसे पहले तो हम देखते हैं जी लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं, किस किस्म के फंक्शंस होते हैं, फिर हम लिस्ट जनरेट क्रिएट करते हैं उसे। हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक डी इज इक्वल टू लैम्डा, एक आर्गुमेंट लेते हैं ए, देन फिर हम कहते हैं ए स्टारिक ए। तो ये हमने एक लैम्डा फंक्शन लिखा है, हमने एक जो भी था हमारा वेरिएबल उसको हमने एक वैल्यू असाइन की है, लेकिन हम उस वैल्यू जो भी हम आर्गुमेंट ले रहे हैं उसके ऊपर एक प्रोसेस कर रहे हैं, उसका जो स्केयर है वो हम उस जो हमारा एलिमेंट है जो वेरिएबल है सॉरी उसको हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर कॉल करेंगे लैम्डा फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें, क्योंकि लैम्डा फंक्शन हमारा एक आर्गुमेंट ले रहा है तो हमें एक आर्गुमेंट पास करना होता है, तो हम इसको प्रिंट डी और डी को जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर हम इसको 3 पास करते हैं। फिर हमने इसको 3 पास किया, अब डी की वैल्यू में हमारे पास क्या आनी चाहिए, तो 9 आ जानी चाहिए डी की वैल्यू। तो यहाँ पर भी हम प्रिंट करा रहे हैं और इसके अलावा अगर हम प्रिंट कराते हैं प्रिंट डी, तो जब हमने प्रिंट डी कराया है तब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। ये देखिए जब हम लोगों ने ये कराया तो हमारे पास पहला जो प्रिंट था उसमें हमारे पास 9 वैल्यू आ गई, क्योंकि दूसरा जो हमारे पास डी है ये, क्योंकि ये लैम्डा फंक्शन के ज़रिए ही कॉल हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे लिखा आ गया फंक्शन एट, और एक जो हमारे पास एड्रेस आ गया है क्योंकि यहाँ पर लैम्डा फंक्शन कॉल हो रहा है, तो यहाँ पर हमें आर्गूमेंट पास करना पड़ता है। अगर हम आर्गूमेंट पास नहीं करते तो हमारे पास इस तरह से वैल्यू आती है। तो ये जो 9 हमारे पास वैल्यू आ रही है ये फर्स्ट
जो हमारी लाइन है, अगर हम इसको कमेंट करते हैं तो तब हम देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ नीचे वाली लाइन आएगी लैम्डा फंक्शन की, क्योंकि हमने कोई आर्गुमेंट ही नहीं पास किया हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लैम्डा फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम किसी भी किस्म की सिंगल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, जितने मर्जी हो सकते हैं, और उन वैल्यूज़ को हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम लोग यहाँ पर एक डी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करा के देखा। इसके बाद आते हैं हम लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं लैम्डा फंक्शंस की मदद से। अब हम देखते हैं जी लिस्ट क्रिएट करने का तरीका। तो हम कहते हैं लिस्ट का, क्योंकि हमारा एक फंक्शन है बिल्ट इन, तो हम लिस्ट के फंक्शन को कॉल करते हैं ताकि जो भी वैल्यू हम पास करें तो लिस्ट का फंक्शन हमारा कॉल हो जाए। तो हम क्या करते हैं जी, लैम्डा फंक्शन हमने एक कॉल किया लैम्डा, और इसमें हमारे पास आर्गुमेंट में वैल्यू आ रही है, अगर हम कहते हैं एक आर्गुमेंट लेते हैं ए, और ए जो हमारी कंडीशन है वो हम लगाते हैं, तो फिर क्या होता है, कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन हमारी हम करते हैं जी ए नॉट इक्वल टू वन, नॉट इक्वल टू वन, नॉट इक्वल टू वन हो किस चीज़ के ऊपर अप्लाई होगी ये कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन तो हम लोगों ने लगा दी, तो हमारी जो नेक्स्ट हम एक लिस्ट पास करते हैं। लिस्ट हमारे पास है 2, 1, 3, 2, 1, 4। अब हम देखते हैं जी हमारे पास जो न्यू लिस्ट आती है वो किस किस्म की आती है। तो इस लिस्ट को हम एक वेरिएबल LST में स्टोर कराते हैं जो भी हमारी लिस्ट आएगी। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर प्रिंट क्या करा रहे हैं जी, प्रिंट करा रहे हैं LST। जब हमने इसको अब कॉल किया तो हमारे पास ये देखें, क्योंकि हमारा जो लैम्डा फंक्शन है यहाँ पर एक एरर आया है, वो एरर क्या है, टाइप एरर है लिस्ट एक्सेप्टेड एट मोस्ट वन आर्गुमेंट गॉट टू। तो जो लिस्ट है हमारे पास वो सिंगल आर्गुमेंट एक्सेप्ट करती है, तो हम लोगों ने यहाँ पर दो आर्गुमेंट पास किए हुए हैं। तो इसका हमारे पास क्या हल है जी, असल में ये जो लिस्ट का फंक्शन है ये सिंगल आर्गुमेंट लेता है। तो अगर हम यहाँ पर फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं, फिल्टर का फंक्शन अभी हम लोग अभी पढ़ेंगे, तो फिलहाल इसको यूज़ करके देखते हैं। फिल्टर फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पर कॉल किया है कि फंक्शन तो एक है, अब लिस्ट आर्गुमेंट यहाँ पर एरर नहीं आएगा। तो ये देखें हमारे पास वो एलिमेंट्स आ गए हैं जो ए में वन के इक्वल नहीं थे, तो हमारी जो लिस्ट थी वो ऐसे एलिमेंट्स की नई लिस्ट हमारे पास जनरेट हो गया जो ए के इक्वल वन के इक्वल नहीं थे। हमारे वैसे लिस्ट में जो थे 2, 1, 3, 2, 1, 4 था, हमारी जो न्यू लिस्ट आई है उसमें 2, 3, 2, 4 है। तो यहाँ पर हम कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, वो इस लिस्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ये लैम्डा फंक्शन है तो सिंगल लाइन में होते हैं। अब फिल्टर क्या काम करता है, फिल्टर की हम थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं और इसका सिंटैक्स देखते हैं जी। फिल्टर मेथड कंस्ट्रक्ट एन आइटरेटर फ्रॉम एलिमेंट ऑफ एन आइटरेबल फॉर विच अ फंक्शन रिटर्न ट्रू। ये आइटरेशन अप्लाई करता है, जहाँ पर ट्रू वैल्यूज होती हैं वो वैल्यू सिर्फ पिक करता है। ठीक है, तो इसका जो है सिंटैक्स है हमारे पास वो फिल्टर का कीवर्ड यूज़ होता है, और फिर फंक्शन के जो हमारे पास ये आर्गुमेंट दो किस्म के आर्गुमेंट लेता है, पहला जो आर्गुमेंट होता है वो फंक्शन होता है और दूसरा आइटरेटेबल होती है। आइटरेटेबल में हमारे पास सेट्स आ जाते हैं, लिस्ट आ जाती हैं, टपल्स आ जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस किस्म का ये हमारा फिल्टर फंक्शन है, जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ भी करके देखा है कि हमारा जो ये फिल्टर फंक्शन था, ये पहला कि लैम्डा एक फंक्शन है, पहला आर्गुमेंट इसने एक फंक्शन लिया, देन फिर हमारे पास एक आइटरेटेबल लिस्ट थी, तो लिस्ट सेकंड आर्गुमेंट हम लोगों ने पास किया, ये इस लिस्ट के ऊपर ये फंक्शन अप्लाई हुआ, और जो जहाँ पर वैल्यू ट्रू हुई वो वैल्यू सिर्फ लैम्डा फिल्टर ने पिक की, और वो वैल्यू लिस्ट को पास होगी और वो लिस्ट जनरेट होगी हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एक जो हमारा टॉपिक है
इसके पैरामीटर्स देख लेते हैं। फर्स्ट पैरामीटर फंक्शन है, फंक्शन दैट टेस्ट इफ एलिमेंट्स ऑफ एन इटरेबल रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स, इफ नन द फंक्शन डिफॉल्ट्स टू आइडेंटिफाई फंक्शंस विच रिटर्न्स फॉल्स इफ एनी एलिमेंट्स आर फॉल्स। ठीक है, इटरेटेबल थिंग्स कुछ भी हो सकती है हमारे पास। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि कुड बी सेट्स, लिस्ट और टपल्स और कंटेनर्स ऑफ एनी आइटरेटर्स। अब आते हैं जी मैप फंक्शन की तरफ। मैप फंक्शन क्या होते हैं? मैप फंक्शन हमारे पास, हमने फिल्टर फंक्शन देखा, मैप भी फिल्टर की तरह ही होते हैं, लेकिन जो मैप फंक्शन होता है ना, ये सिर्फ सेकंड आर्गुमेंट में सिर्फ और सिर्फ लिस्ट को ही लेता है। हमारे पास जो फिल्टर था उसमें हम सेकंड आर्गुमेंट में सेट पास कर सकते थे, टपल्स पास कर सकते थे, कंटेनर्स वगैरह कुछ भी पास कर सकते थे जो आइटरेटेबल हो। तो लेकिन जो मैप है हमारे पास, मैप सिर्फ और सिर्फ सेकंड आर्गुमेंट में हमारे पास लिस्ट लेता है और फर्स्ट आर्गुमेंट में उसी तरह फंक्शन लेता है। तो मैप के थ्रू एक एग्जांपल करके देखते हैं लिस्ट प्रोसेसिंग क्रिएटिंग की। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं LST1 के नाम से, जो कि हमारे लिस्ट होगी LST1 और हम इसमें फिल्टर की बजाय मैप फंक्शन को यूज़ करके देखेंगे। सबसे पहले तो लिस्ट का फंक्शन कॉल करेंगे, तो लिस्ट फंक्शन हम लोगों ने कॉल किया, देन फिर हम मैप फंक्शन कॉल करते हैं। मैप फंक्शन हम लोगों ने कॉल किया, उसके बाद हमारा पहला मैप का भी पहला आर्गूमेंट होता है वो एक फंक्शन होता है, तो हम यहाँ पर भी लैम्डा फंक्शन को ही यूज़ करते हैं। तो लैम्डा फंक्शन को हमने कॉल किया, जो कि एक आर्गुमेंट ले रहा है, और आर्गुमेंट हमारे पास है बी। हम कंडीशन अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, बी रिमाइंडर टू, अगर बी रिमाइंडर टू डबल इक्वल टू वन हो तो ये हमारे पास किस किस्म की लिस्ट होगी, जो भी हम लिस्ट यहाँ पर, क्योंकि मैप फंक्शन सेकंड आर्गुमेंट में सिर्फ और सिर्फ लिस्ट देता है, जो लिस्ट देंगे उसमें से हमारे पास सारे जो है ना ऑड नंबर्स की हमारे पास लिस्ट एक जनरेट हो जाएगी। तो हम एक लिस्ट पास करते हैं सेकंड आर्गुमेंट में, तो ये 7 तक मैंने एक लिस्ट पास कर दी है। देन हम इसको, हमारा जो LST1 है, LST1 को हम प्रिंट फंक्शन में कॉल करते हैं, प्रिंट कराते हैं, प्रिंट LST1। तो अब हम देखते हैं कि ये मैप के ज़रिए हम लोगों ने एक लिस्ट कॉल की है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास देखें मैप के फंक्शन के थ्रू हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ट्रू फॉल्स वैल्यूज़ आ रही हैं। एक लिस्ट जनरेट हुई है जिसमें वैल्यूज़ हैं ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये तो क्लास हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमने, क्योंकि सिर्फ कंडीशन अप्लाई की हुई थी मैप फंक्शन के अंदर, तो इसने ट्रू फॉल्स की एक लिस्ट जनरेट कर दी रिजल्ट की बेसिस पे, जबकि फिल्टर फंक्शन ने क्या किया, कंडीशन की बेस पे वहाँ से वैल्यू पिक की है और वो उसकी एक लिस्ट जनरेट की है। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक्सप्रेशन अप्लाई करते हैं तो फिर ये फंक्शन हमारा सही काम करता है। तो जो अगर फर्ज करें हमारी जो एक्सप्रेशन है वो हम कहते हैं बी इंटू बी की एक एक्सप्रेशन है, तो देन हम इसको कॉल करते हैं, तो हमारे पास हमारी जो लिस्ट थी उसका स्क्वायर्स हमारे पास एक नई लिस्ट जनरेट हो सकती है। इस तरह से हम मैप फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, और फिल्टर, ज़्यादातर हम फिल्टर फंक्शन को ही यूज़ करेंगे क्रिएटिंग प्रोसेस लिस्ट। तो ये हमारा इस वीक के जो हमारे थे टॉपिक्स थे वो कवर हुए हैं, जिनमें हम लोगों ने देखा है कि फॉर लूप से, शॉर्ट फॉर लूप से लिस्ट क्रिएटिंग देखी है, देन फिर हमने लैम्डा फंक्शन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने फिल्टर फंक्शन पढ़े क्या होते हैं, और फिर हमने मैप फंक्शन के बारे में देखा। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।